Yes, sir. One large whiskey and one cold drink. All right. Darling, बहुत दिनों से तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता था. खुशखबरी? और उसके लिए यहाँ तक लाया हूँ. मैं चाहता हूँ शोभा, हम और तुम बस, और कोई ना हो. मैंने दिल में एक सपना सजा रखा है. बस बस रमेश, तुम तो हमेशा सपने ही देखा करते. चलो डांस के लिए चले. लेकिन पहले वो, बाद में. अच्छा. रख दो अंदर. पल भी रहा नहीं जाता. तुम हो तो जिंदगी है, खुशी है, उमंग है. तुम नहीं तो कुछ नहीं. झूठ. मेरा यकीन नहीं तुम्हें? मैं जो कहते हैं करती नहीं. औरत कुछ नहीं कहती लेकिन करती सब कुछ है. जो तुम नहीं कहती मैं चाहता हूँ कि तुम वही कहो. रमेश. शोभा. डांस में हमारी बात अधूरी रह गई. पूरी भी कैसे हो? तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं. हमेशा न जाने किस ख्याल में डूबे रहते हो. परेशान तो सचमुच हूँ. 3 खत भेजे मगर बॉस ने एक का भी जवाब नहीं दिया. बॉस को? श्याम, मेरा बचपन का गहरा दोस्त. बॉस तो मैं उसे बिजनेस के नजरिए से कहता हूँ. वैसे हम लोग साथ साथ खेले, बड़े बड़े हुए. क्या आदमी है दोस्त के लिए जान देने वाला. इसीलिए मैं उसे इतना मानता हूँ कि उनके सामने दूसरा कोई कुछ नहीं. यही ना? सिर्फ तुम्हें छोड़कर. यूं ही कहते हो. वरना जब देखो सिंगापुर से जाने की बात. डार्लिंग, यही खुशखबरी तो सुनाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. सच? हाँ शोभा, मेरा आखिरी फैसला यही है कि रबर एस्टेट किसी हालत में न बेची जाए. हालांकि उसके मुआ में कीमत मिल रही है. अच्छा, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है वहाँ? खजाना ही समझो, शाम के पिताजी की आखिरी बात. सिर्फ कागजात का मिलना इस बात का सबूत है कि. बोलो बोलो. नहीं शोभा, ये बिजनेस की बात है, एकदम प्राइवेट. तो क्या मैं भी नहीं जान सकती? नहीं, मेरा मतलब है कि औरतों को मर्दों के बिजनेस में दखल देना नहीं चाहिए. इसलिए ना कि मैं तुम्हारी कोई नहीं. तुम सब कुछ हो शोभा, मगर खामोखा जिद न करो. वक्त आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा. 9 बजे मैंने लाइन बुक की है. फोन पर शाम से बात करनी है. बॉय. हेलो रमेश, तुम अभी तक यही घूम रही हो? लता का टेलीफोन आया घर से, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है. मैं उनके साथ जा रही हूँ, ये मुझे घर छोड़ दो. इनके जल्दी है और तुम्हें साथ बैठो. जी माफ कीजिएगा, 9 बजे मैंने बॉम्बे की लाइन बुक की है. फोन पे शाम से कुछ जरूरी बातें करनी है. ओह ऐसा. अच्छा जल्दी आना. अच्छा रमेश. गुड नाइट. गुड नाइट. अब आई हूँ. मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ. मगर दीदी, तुम्हारा फोन पहुँचने से पहले ही चल पड़े. झूठ बोलती है. चाचा जी ने तो कहा था कि तुम दोनों वहीं बैठे. अच्छा बाबा, फोन मिलने के बाद ही से. पर आ तो गई ना. नहीं तो क्या रमेश के साथ बंबई भाग जाने का इरादा था? दीदी अब भागने की जरूरत नहीं, वो यहीं रहेंगे. हाँ हाँ, तुझे छोड़कर जा भी कैसे सकते हैं. मजाक में समझो दीदी, अब वो रबर एस्टेट नहीं बेचेंगे. क्यों? ये तो बताया नहीं, लेकिन आज बंबई फोन करके अपने मालिक शाम को यहीं बुला रहे हैं. ओ, तो ये सब बातें करने में वक्त का ख्याल नहीं रहा तुझे. दीदी एक बात कहूँ. क्या? वो जो मिस्टर शाम है ना,
सुना है बहुत खूबसूरत और हसमुख आदमी थी। तो मुझे क्या? नहीं नहीं, यूं ही कह रही थी, जब वो यहाँ आएंगे तो शायद तुम्हें भी वक्त का ख्याल नहीं रहेगा। चल हट। हेलो, ओवरसीज कॉल। यस, 42236 है। देखिए, मैंने कॉल बुक की थी। यस, बॉम्बे। ओके, होल्डिंग। हेलो हेलो श्याम, मैं रमेश। हेलो रमेश, ओल्ड चैप, हाउ आर यू? हाँ, कहो प्यारे, खूब मजे उड़ा रहे हो तुम वहाँ? मजे कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें 3 चिट्ठियां लिख चुका हूँ, बहुत जरूरी, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। मुझे तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली। नहीं मिली तो कहाँ गई? मुझे क्या मालूम। ये बात है, सब चिट्ठिया कहाँ गायब हो सकती है? छोड़ो इस बात को, उन चिट्ठियों में क्या लिखा था तुमने? अरे फोन पर क्या बताऊं, एक बड़े राज की बात है। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मेरी रबर स्टेट में तुम्हें कोई खजाना मिल गया। तुम ठीक समझे, अभी मिला नहीं लेकिन मिल जरूर जाएगा। हा? क्या बक रहे हो तुम? यही कह रहा हूँ, मुझे कागजों में से एक नक्शा मिला है, इसी से पता लगता है कि हमारे रबर स्टेट में कोई खजाना छिपा हुआ है। खजाना? नक्शा? मेरा ख्याल है रमेश, तुम आजकल कंपनी के अकाउंट पर कुछ ज्यादा पी रहे हो, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अरे नहीं नहीं, नक्शा मेरे हाथ में है, मैंने जो कुछ कहा सच कहा, इसीलिए तो तुम्हें फौरन आ जाना चाहिए। हाँ बात तो पूरी करो, ये बीच में तुमने कौन सी टैटा म्यूजिक शुरू कर दिया? अरे ये मेरा म्यूजिकल सिगरेट केस है। कौन कौन? अरे लोमे। यस सर। क्या कौन था? कोई नहीं। कोई नहीं, नेम श्याम कुमार, नेशनलिटी इंडियन, पर्पस ऑफ विजिट बिजनेस, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे इन सिंगापुर सर? अबाउट अ मंथ। मे हैव योर टिकट प्लीज? हियर, दिस योर सीट कार्ड सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। C6। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ना होती तो मैं तो गिर गया होता। अभी हम गिरेगा तो आप संभलेंगे? आप गिर के देखिए। यस सो नाइस, सो मच। नमस्ते जी, एयर इंडिया हवाई जहाज इनकी रानी पर आपका स्वागत करती है। इस समय सुबह के 10 बजे है और हम सिंगापुर रवाना होने को है। कहाँ तक जा रहे हैं आप? कहाँ तक? सिंगापुर। आप वहीं रहती हैं क्या? आप? बॉम्बे। मैं तो वैसे साइड के लिए जा रहा हूँ। नो, आप पिस्टल्स क्रॉस टू गेट एन स्टेशन। अरे आपको मेरा नाम भी मालूम? बॉम्बे एयरपोर्ट पर आपका पासपोर्ट चेक होता था, हम देखा। वेरी गुड, यानी कि जान पहचान से पहले ही आपकी नजर में है। आई एम मैरी। आई डिड यू? Well, nice to know you. Love to have a drink, miss? Yes, something hot, please. Do you need a coffee or a tea? Scotch and soda. And for you, sir, would you like a drink? Oh, I'd like something cold. Cold drink? Yeah, make mine a very cold glass of water. Yes.
Thank you so much. Your health. And my happiness. Cheers. आप सिंगापुर में क्या करते हैं? फादर के बिजनेस है, हमारा फ्री लाइफ, फैशन और पिकनिक बैंड. वेरी गुड. हमारे डांस और पिकनिक का बहुत शौक है. रमेश एयरपोर्ट पर तो नहीं आया. वो कल रात को आपको फोन किया था बॉस, फिर दूसरे दिन हम उसका घर को गया बॉस, पर वो घर में नहीं था बॉस. रात को उससे फोन पर आधी बात हुई थी, फिर अचानक लाइन कट गई. टेक इट इजी बॉस, टेक इट इजी बॉस, ये ओवरसीज लाइन ऑलवेज गड़बड़ कट जाता है बॉस. मिस्टर रमेश वेरी हैप्पी गुड लकी मैन बॉस, लेकिन कभी कभी ऑफिस से दो तीन दिन बाहर चला जाता है. मौज मजा अल्लाह गुला. सॉरी बॉस. रमेश ने तुमसे रबर एस्टेट के बारे में कोई बात की थी क्या? यस बॉस, यस. वो बोला सेल करेगा, यानी रबर एस्टेट बेचेगा, फिर बोला नहीं बेचेगा बॉस. आई डोंट नो. आपका रबर एस्टेट? यस माय बॉस, श्याम कुमार प्रोप्राइटर, इंडो सिंगापुर रबर एस्टेट. ओह आई सी, हाउ लकी आई एम. कितना किस्मत वाला. आपसे मुलाकात हुआ मिस्टर श्याम. अभी आप सिंगापुर में रहेंगे? अभी कुछ दिनों तक तो सिंगापुर में ही रहूंगा. हम आपको मिलेगा तो हमको बहुत खुशी होगी. मुझे भी खुशी होगी मिस मारिया. आप जब चाहें मुझसे मिल सकती हैं. थैंक यू. प्लीज आई गेट डाउन हियर. चाचू स्टॉप द कार हियर. यस बॉस. आइए. थैंक यू. मैं आपके ऑफिस में फोन करूंगा. जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं. ऑलराइट, नहीं भूलूंगा. ओके, बाय बाय. बाय बाय. चले चाची. बस ये लेडी कौन था बस? आई डोंट नो चाचू, प्लेन में मुलाकात हुई थी, अच्छी लड़की मालूम होती. ओ बस, हमारे यहाँ देखने में सब अच्छी लड़की बस. अच्छे के साथ सब अच्छा चाचू. बस यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट. नो नो नो, बस आई एम रॉन्ग, यू आर राइट. बस आ गया, बस आ गया. बस अपने रामास्वामी अकाउंटेंट. नमस्कार. जोसेफ लोक क्लार्क. बस बस ये अपना टेन्यू टाइप टेलीफोन ऑपरेटर. वेरी गुड बस. वेरी नाइस. हाउ डू यू? मुझे आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है. प्लीज प्लीज सिट डाउन. थैंक्स. नो सिट डाउन बॉस, टेक इट इजी. सिट डाउन नहीं, अभी ये सब घर को जाएंगे बॉस. बस को मिलने के लिए ये वेट करता है. बस ऑलराइट. थैंक यू बॉस. आप ट्रैवल करके आया है, थक गया है बॉस. ये ऊपर का प्लॉट के चाबी है, आप रेस्ट करेंगे बॉस. और 6 बजे हम जाएंगे बॉस. क्या जाओगे तुम? है हमारा प्रोग्राम है बॉस. ऐसा प्रोग्राम? टेक इट इजी बॉस, अपना गर्लफ्रेंड लोग है ना. तुम गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा? हाँ बैड आई योर बॉय, लेट्स गो एंड चेंज. टेक इट इजी बॉस. नमस्ते. Thank you.
शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला ये शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला पर और भी है कुछ आगे तू चला चल अकेला ये शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला पर और भी है कुछ आगे तू चला चल अकेला शहर ये दिल वालों का हमारे जैसे मत वालों का गले मिले सब यहाँ पे आकर नहीं भेद गोरे कालों का ये शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला ये शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला पर और भी है कुछ आगे तू चला चल अकेला नटखट गुड़िया ये हुस्न वाली मीठी गुड़िया जरा देर को सब चकराए कहाँ से आई इतनी परिया नमस्ते ये शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला ये शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला पर और भी है कुछ आगे तू चला चल अकेला घर से गुजरे हम मस्ती में बाहर आई उस बस्ती में चले प्यार के नगमे गाते है घर किसी दिल की दिल्ली में ये शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला ये शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला पर और भी है कुछ आगे तू चला चल अकेला चिंचिंचू आई लव यू चिंचिंचू बहुत खूब गुस्सा चढ़ गया हम तुमसे बात करना नहीं मांगता क्यों क्या हुआ हमसे पूछता तुम कल इवनिंग को किधर गया था हाँ हम तो बॉस के साथ था झूठ बोलता हमको सब मालूम हुआ वी टीना मिनी सब हमको बोला तुम बात को लेकर उन सब के साथ हैप्पी गो लकी बनकर फुल नाइट घूमता रहा और अभी हमको बोलता चिन चिन चू आई लव यू माय डार्लिंग टेक इट इजी माय डियर चिन चिन चू आई रियली लव यू पर हम क्या करता वो सब गर्लों के अंदर हम तुम्हारा फेस देखता और सबको लव करता हाँ हम सब नहीं नहीं हम सबको कैसा लव कर सकता हम सब
लेकिन माय डियर चिंचिंचू तुम याद रखो, हम तुमको लव करता रहा, करता है और करता रहेगा। तुम्हारा साथ हम शादी करेगा, फिर अपना घर में छोटा 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 बाबा होएगा, फिर हम कोई छोकरी की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन अभी हम जाता हूँ। लिसन चाचू, बोलो। तुम रियली हमको लव करता? करता। फिर दूसरा लड़की लोग के साथ नहीं लव करेगा? करेगा। हमारा मतलब है कि हम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बस। मॉर्निंग चाचू, कम इन। नमस्ते। ये क्या करते हो तुम? बस हम इससे नमस्ते सीखा, अभी हम इसको नमस्ते करता। ये टेप रिकॉर्डर यहाँ ऑफिस में क्यों पड़ा हुआ? ये टेप रिकॉर्डर टेलीफोन से कनेक्टेड है बस, टेलीफोन में जो बात होता इसमें रिकॉर्ड होता है बस। थैंक यू बस। ये सब ऑफिस की चिट्ठियां हैं, तुम इन्हें संभालो। मुझे रमेश के मामले ने बहुत परेशान कर दिया है, शायद ऑफिस में उसका टेलीफोन आया हो। रमेश को फोन आया था? आज तीसरा दिन है और रमेश को कोई पता नहीं। इस तरीके से लापरवाही से काम नहीं चलेगा। चलो मेरे साथ, हमें पुलिस में खबर करना चाहिए। दरअसल मैं एक रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, मेरे रबर स्टेट के मैनेजर रमेश लापता है। आपने यहाँ उनके जान पहचान वालों से पूछताछ की? मुझे आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। आप घबराइए नहीं, हो सके तो रमेश की फोटो भेज दीजिएगा, हम पता करेंगे। और अगर इस बीच में आपको इत्तला मिली तो हमें खबर कर दीजिएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच। एक बात बोलेंगे बस, यहाँ का बिजनेस वाले से हमने इंक्वायरी किया, हम बोला था ना मैनेजर रमेश वेरी हैप्पी गो लकी, वो एक इंडियन लड़की से टेलीफोन पे प्रेम करता, बस बात करता। अच्छा, कौन है वो लड़की? वो यहाँ एक दूसरा रबर स्टेट है ना, उसका प्रोप्राइटर मिस्टर शिवदास, उसका लड़की शोभा, वेरी गुड डांसर, वेरी गुड डांसर। हो सकती है लड़की रमेश के बारे में कुछ जानती हो? यस, जानती हो? यस, मेरा ख्याल है पहले उस लड़की के घर चले। बस हम एड्रेस नहीं मालूम बस, लेकिन बस वो एक यहाँ क्लब है न्यू इंडिया क्लब, उसके ऊपर स्टेज पे डांस करता, आज इवनिंग को जाएगा बस। ओके, थैंक यू बॉस, थैंक यू।
No admission without permission. मुझे शोभा देवी से मिलना है, मेरा बहुत जरूरी काम है। Sorry sir, she's not in. तुम नहीं समझते, मेरी उनसे बहुत पुरानी जान पहचान है। Oh, thank you sir, thank you. Hey. कौन? जी मैं. जी माफ कीजिए. नमस्ते. ये आप बिना पूछे अंदर क्यों चले जी? क्या बताऊं, आना ही पड़ा. आज मैंने आपका नाच देखा, बहुत ही पसंद आया. यकीन जानिए मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, लेकिन हिंदुस्तान में भी ऐसा नाच मैंने कभी नहीं देखा. आप इस आर्ट में तो कमाल ही करती हैं. ये आपके लिए छोटी सी भेंट. शुक्रिया. आप जा रही हैं क्या? जी मुझे जल्दी है. चाओ. यस मैडम. ये सामान सब गाड़ी में रख दो. देखिए मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करना है. मैंने कहा जरा सुनिए तो. अजीब आदमी है, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? कौन है आप? मैं रमेश का दोस्त हूँ. रमेश? तो आप? श्याम. मेरा नाम श्याम. श्याम? आप बम्बई से कब आए? यानी आप मुझे जानती हैं? जी नाम सुना था, आज देखती थी. पहले क्यों ने बताया कि आप कौन हैं? आपने बताने का मौका कहाँ दिया? कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? माफी चाहती हूँ, आइए ना. दरअसल मैं रमेश के बारे में पूछने आया था. रमेश के बारे में? जी हाँ. वो तो 3 दिन से दिखाई नहीं दी. मगर आप ये तो जानते होंगे कि वो गया कहाँ? जी नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम. खैर मुझे तो आप ही से उम्मीद थी, मगर अगर मगर की उलझन छोड़िए इस वक्त, आइए चले. कहाँ? हमारे घर. आपके घर? जी हाँ. मेरी बहन और चाचा जी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, आइए ना. चलिए. ये रमेश आदमी कैसा है? दोस्त आपके हैं और पूछ रहे हैं उससे? कुछ और ख्याल मत कीजिए. दरअसल बात यह है कि मैंने उसके बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं कि वो आवारा गर्दी, शराब. नहीं नहीं, किसी ने गलत कहा आपसे. वो तो बहुत अच्छे शरीफ और हसमुख आदमी है, मगर आपसे ज्यादा नहीं. जी यानी कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? जरा सी जान पहचान में ही आदमी को समझने के लिए जरा सी जान पहचान भी बहुत होती है. घबराने या परेशान होने से क्या फायदा? कहीं चले गए होंगे, आ जाएंगे. बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत. जी मैं मतलब ये मकान. शुक्रिया. आप जरा बैठे, मैं अभी आती हूँ. अच्छा. फर्ज कीजिए आपको किसी से मोहब्बत है, माना कि मजा छुपाने में है, लेकिन अगर बात खुल जाए तो कबूल कर लेना चाहिए ना. जी मैं समझी नहीं. मैं आपको कैसे समझाऊं? आपके जो दीदी है ना, उन्हें किसी से मोहब्बत है. ये आप किसके बारे में कह रहे हैं? आपकी दीदी और रमेश. क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो
झूठ है, रमेश और लता, लता और रमेश। आपका मतलब है कि? ये शोभा है मिस्टर श्याम। और आप लता हैं? जी। मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने समझा कि आप शोभा हैं और आप लता हैं। छोड़िए इस बात को, चलिए आप आपका खाना लगा दी। आइए। देखिए आपने शाम का ये तकल्लुफ की, खाने क्या जरूरत है? तकल्लुफ कैसा, आपको हमारे साथ खाना तो खाना ही होगा। आइए ना, मैं खुद हैरान हूँ, आज तक वो बिना बताए कहीं गए नहीं। ताज्जुब है, इसी चिंता में आज इसने डांस में भी हिस्सा नहीं लिया। देखिए शोभा देवी, इस तरह दिल छोटा करने से काम नहीं चलेगा, आप उनके कोई दोस्त या जान पता लगा चुकी है। अभी तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जब शाम को ये दोनों मिलते ना हो। देवी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने मुझे क्या हो गया है। शोभा देवी आप घबराइए नहीं, जितना आप रमेश को चाहती हैं उतना मैं भी उसे चाहता हूँ, लेकिन जानिए मेरे लिए वो एक दोस्त, भाई, साथी सब कुछ है। मैं उसे जल्द से जल्द खोज निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे डर लगता है कहीं वो बदमाशों के हाथों में न पड़ गए। पगले, ऐसी बुरी बुरी बातें मत सोचो, चलो आराम करो। आप जरा बैठिए, मैं आपसे आती हूँ। आप तारीफ? जी मेरा नाम श्याम है। और ये मेरे चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते। खुश हो? ये बंबई से आए हैं, रमेश जी वाले रबर स्टेट के मालिक हैं। ओह ओह, समझा। रमेश कहाँ है, दो दिन से नजर नहीं आया। जी मुझे भी इसी बात की चिंता है। अजीब बात है, लेकिन गया कहाँ? मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ के बारे में कुछ जानता ही नहीं। पुलिस में इंक्वायरी की? जी हाँ, पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाई है, लेकिन उन्हें भी अभी तक कुछ मालूम नहीं। खैर घबराने कोई बात नहीं, हो सकता है बिजनेस सिलसिले में वो हांगकांग या बैंकॉक चला गए हो। फिर भी उसे ऑफिस में खबर तो करना चाहिए था, शायद कुछ जरूरी काम हो। बहरहाल मैं कल सुबह मालूम करूंगा। और हाँ, हमारे यहाँ रहते हुए तुम्हें कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम परदेश में हो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कब आएंगे? जब आप बुलाएंगे। बुलाने की भी जरूरत है? आपको हमारा इंतजार रहे, हम बिन बुलाए चले आएंगे। मैं इंतजार करूंगी। हम जरूर आएंगे। बाय बाय। मिस चिंचिंचू, प्लीज कम इन। प्लीज कम इन। यस सर। ये लेटर्स चाचू को दे देना। यस सर। एंड वेट, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। मिस चिंचिंचू, कल शाम को आप कहाँ थी? कल शाम? यस्टरडे इवनिंग। इधर से घर, घर से मार्केट, मार्केट से घर गया। बस? यस सर, दैट्स ऑल। यानी कल शाम को आप शोभा के घर पे नहीं गई? नो सर, हम नहीं गए था। बट व्हाट इज द मैटर सर, बात क्या? कुछ नहीं, शायद मुझसे पहचानने में गलती हुई। यू कैन गो। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन आया था। किसका फोन था? एक लेडी आपसे बात करना मांगता था। लेडी? कौन लेडी, क्या नाम था? नाम नहीं बोला, नंबर बोला। और आई पुट ऑन द लाइन। यस सर। चाचू, ये आज का मेल बॉस ने दिया। चिंचिंचू, आई डोंट लव यू। व्हाट हैपेंड? तुम इतना देर बॉस का कमरे में क्या करता था? यस बॉस। चिंचिंचू, नंबर मिला? मिला था बॉस। हेलो, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हेलो, यस, मैं श्याम बोल रहा हूँ। ओ मिस मारिया, थैंक गॉड, कैसा है आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? हम आपको बहुत याद करते हैं। कोई खास बात है क्या? हम आपसे कभी मिल सकते? जब आप कहें। हम तो बोलेगा अभी। ऑलराइट। कहाँ मिलेगा? जहाँ आप कहें। आपका एक गार्डन जानता? आप भूलती हैं कि मैं सिंगापुर में पैदा नहीं हुआ था, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। आई सी। हम एड्रेस बोलता, नोट आप करो। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट।
Yes? North Bridge Road. North Bridge Road. Chanchali Kasane. Chanchali Kasane. Aage main pata khud laga lunga. Do come. I'll be waiting for you. Huh? Yes. All right. Bye. I'll meet you. मैं तो फोन मिलते चल पड़ा था मारिया, लेकिन रास्ते में दो एक जगह रास्ता पूछना पड़ा। उधर तुम रास्ता पूछता, इधर मैं तुम्हारा रास्ता देखता। कम ऑन कम ऑन। दिस वे। वाह, अजीब गार्डन है मगर बहुत खूबसूरत। दैट्स व्हाई मैं तुमको इधर लाया, चाइना का सब स्टोरी दिखाने को। कम ऑन। देखो लव करता। लव जानता मोर पर। तुम क्या किसी को मोहब्बत? मैं भी अभी तक नहीं किया था। और अब? मालूम नहीं, लव करने से नहीं, अपने आप होता। तुम्हारा हुआ किसी से? आप पूछता समझता नहीं। दिल पे काबू रखो मारिया, परदेसी की प्रीत एक सपने की तरह होती है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। क्या मतलब? मैं बहुत जल्द यहाँ से बंबई वापस चला जाऊंगा। बंबई जाना है? हमारी माँ बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, मुझे अपने मैनेजर का इंतजार है, उसके आते ही मैं उससे फैसला करके वापस चला जाऊंगा। तो फिर कब आएगा? फिर आने का सवाल पैदा नहीं होता मारिया। Thank you.
श्याम। मारे तुम तो जानती हो कि मैं पीता नहीं। तो पी के देखो, लाइफ में हैप्पी होना, कुछ होना। देखिए मारिया, जो खुशी पीने से मिलती है वो नशे के साथ आती है और नशे के साथ चली जाती है। यू आर वेरी स्मार्ट। ओके, हम अभी चेंज करके आते हैं। सर, मेम साहब ऊपर बुलाता। तेरे से गोली मारकर भाग गया है, मैं पता लगा। तुम लोग उधर जाना, नहीं कोई गेम वाला बदमाश। फिर मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नो शैम नो, इधर गेम वाला लोग दुश्मन हो जाएगा, शूट कर देगा। मगर मारिया, वो गोली किसने चलाई? कौन था वो आदमी? तुम्हारे यहाँ किसी से दुश्मनी तो नहीं है? नो, हम सब का तुम्हारे वास्ते। मेरे वास्ते? मुझ पर किसी ने गोली चलाई है क्या? मगर क्यों? मुझे यहां जानता ही कौन है? और फिर इस घर में इस वक्त मुझे मारने से किसी को क्या फायदा हो सकता है? इधर बदमाश लोग सब पता रखता। आप रिचमैन रब एस्टेट का प्रोप्राइटर। तो क्या हुआ? यह रब एस्टेट मुसीबत है, आप इसको बेच क्यों नहीं देता? ये तो मैं कर नहीं सकता मारिया, जब तक रमेश वापस ना आ जाए। तभी हम बोलता रब एस्टेट बेच दू, फिर हम और आप इधर से चला जाएगा हांगकॉन्ग टोक्यो। नहीं मारिया, मैं इतना बुजदिल नहीं कि बदमाशों की धमकी से डर जाऊं। नो नो, डरना काहे को, कभी हमारा है आपका जरूरत हो। आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच, काफी देर हो चुकी, मुझे जाना चाहिए। राइट, प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। मैं अपने ही फर्क करना जानता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट डार्लिंग। बस इसे कौन ने मुझे उलझन में डाल रखा था? साफ जाहिर है कि या तो रमेश ने किसी अजनबी को देखा या कैबिन के बाहर से कोई आवाज सुनकर फोन छोड़कर बाहर चला गया। तुमने कहा था ना कि यहाँ के गैंग वाले डॉलर के लालच में अमीरों को उठा ले जाते हैं। यस बॉस, बट टेक इट इजी बॉस। मेरे ख्याल में रमेश के साथ भी यही हुआ है। खजाने के लालच में गैंग वाले उस नक्शे के पीछे पड़े, लेकिन वो नक्शा है कहाँ? हमको नहीं मालूम बॉस। मैनेजर रमेश ने हमको कभी बताया नहीं बॉस। खटपट की कैसी आवाज? ऐसा लगता है जैसे रमेश ने कोई चीज खोली। हो सकता है उसने कोई ड्रॉर खोला हो और उसमें नक्शा रख दिया हो। ये शराब की बोतल आपस में क्यों रखी हुई? इसे बाहर ले जा। ओके बस। वही आवाज, वही म्यूजिक है चाचा। ठीक है, चाचू ये वही नक्शा। यस बॉस, गुड लक बॉस। अब समझा, बदमाशों को देखकर रमेश ने नक्शे को तो छिपा दिया,
लेकिन खुद फंस गया। अब इस नक्शे के लिए बदमाश लोग या तो यहां आएंगे या इसके जरिए मैं उन तक पहुंचूंगा। ऐसे ही खामोश रहना था तो मुझे साथ क्यों लाए? रमेश के अचानक गायब हो जाने से मैं काफी उलझन में पड़ गया। दरअसल आज मैं आपसे एक लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। लड़की के बारे? आप गलत न समझिए मुझे, वो मेरे ऑफिस में काम करती है, उसका नाम है चिंचिंचू। क्या आपने उसे अपने चाचा जी के साथ कभी आते जाते देखा? जी हाँ देखा तो है, वो तो हमारे घर पे कभी कभी आती है। आप घर आती है? लेकिन उसने मुझे कहा था क्या? मुझे अंधेरे में कुछ रोशनी नजर आ रही। लेकिन इस लड़की का आपके अंधेरे उजाले से क्या वास्ता है? वक्त आने पर आपको खुद खुद मालूम हो जाए। कब आएगा वो? जब आप चाहें। मैं चाहूँ? अच्छा सच बताइए, वो लड़की बहुत पसंद है आपको? अगर मैं सच कहूँ तो यकीन कीजिए। क्यों नहीं? तो फिर यकीन जाने कि मुझे उस लड़की से कोई रास्ता नहीं। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी कि कमबख्त एक ऐसी लड़की मिल गई है जिससे के जिससे क्या? जिससे रास्ता तो जोड़ना चाहता हूँ लेकिन रास्ता नहीं मिलता। अगर रास्ता मिला और भटक गए तो? और भी अच्छा रहेगा, आप साथ रहेंगे ना? आप चाहते हैं मैं भी आपके साथ भटक जाऊं? साथ है तो भटकना नहीं होगा। तो चलिए बाएं तरफ गाड़ी रोकिए। नीचे गाड़ी रोकती। चलिए नीचे चलिए। नीचे चलो क्यों? भटकना ही चाहते हैं तो उतरना ही चाहिए। यानी कि आप साथ देने के लिए तैयार हैं? हाँ चलिए चलिए, साथ मिलेगा ना? जरूरत नहीं होगी, आज के दिन तो अपने आप साथ हो जाता है। ऐसी भी क्या बात है, यहाँ के लोगों का मेला है, लोग आपस में मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। या यूं कहिए कि दीवाने बन जाते हैं, बिना कुछ कहे एक दूसरे के हो जाते हैं। मचाने आए हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मचाने आए। किसे खबर चले कहाँ, किसे खबर चले कहाँ, है कोई जो बढ़ के रोके प्यार का ये तूफान। हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मचाने आए। हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मचाने आए। हट जाओ दीवाने आए,
मस्ती लेकर मचाने आए, किसे खबर चले कहां है कोई जो बढ़ के रोके प्यार का ये तूफान। हट जाओ दीवाने आए, मस्ती लेकर मचाने आए। शाम बोल रहा हूँ। कौन? शिवदास जी। मैंने अभी भी सिंगापुर फ्री प्रेस में पढ़ा तुम्हारा मैसेज रमेश के नाम कि तुम्हें वो खजाने का नक्शा मिल गया है। लेकिन मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा। मैंने सोचा कि अगर ये गड़बड़ सब नक्शे की वजह से है तो जिसे जरूरत है वो नक्शा ले जाए और रमेश को छोड़ दे। तुमने बढ़िया अकलमंदी की बात की। सुनो, आज दोपहर क्या कर रहे हो? लता शोभा ये चाहती है कि तुम्हारे साथ रबर स्टेट भी देख लें और पिकनिक हो जाएगी। क्या ख्याल है? ये अच्छा ख्याल है, जैसे आप लोग कहें। जी हाँ, जरूर आई, मैं यही इंतजार करता हूँ। बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। क्या कहेंगे? जरूरत नहीं, ये लोग पिकनिक के बहुत सामान बना के लाएंगे। यहाँ क्यों वक्त जाया किया जाए, और चलें। जी हाँ, चलिए। और हाँ, वो नक्शे का मामला था जी, आप उसे खुद ही देख लीजिए। एक मिनट आइए। क्या वो नक्शा? ये है वो नक्शा जी, जिसके लिए इतना फसाद हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ सड़कें से बनी है। तुम्हारे काम आएगा, और चले चलिए। इसे कहाँ जा रहे? मैं उधर से पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, सोचता हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दूं।
पुलिस वाले क्या पकड़ दे जरा तुम ठीक समझो लता शोभा आओ शुक्र है हमने तो सोचा था कि शायद पिकनिक ही मनाएंगे नहीं नहीं आइए सामान निकालो देखा कितनी अच्छी जगह है जी हाँ साथ ही खूबसूरत हो तो जगह कैसे अच्छी नहीं होगी हा? श्याम ये अपना बैग से मालो इसे यही रहने दीजिए एक नक्शा ही तो है इसमें वापस में पुलिस के हवाले करता जाऊंगा अच्छी बात मैं जरा अपने ऑफिस जा रहा हूँ अच्छी बात है शिवदास जी आदमी बहुत समझदार है बेवकूफ तो मैं भी नहीं लीजिए मैं चली अरे 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 दीदी तुम कहाँ जा रही हो इनका इशारा तो मेरी तरफ है शुक्रिया मेरा मतलब है आपका मतलब मैं खूब समझती हूँ दो दोस्त और तीसरा दुश्मन मैं क्यों आपको शिकायत का मौका दूँ अच्छा दीदी बाय बाय चलिए नजारा देखें बाय हेलो शिवदास स्पीकिंग सुनो यहाँ सब काम स्कीम के मुताबिक हो रहा है तुम्हारा सब इंतजाम ठीक है ओके ठीक है 15 मिनट में के साथ नहीं गई मेरी तबीयत ठीक नहीं डैडी मैं यहीं आराम करूंगी अच्छा अच्छा चलो वापस घर चलो ऐसी भी क्या जल्दी है शोभा क्या सोचती हो तुम्हें शोभा के सोचने का बहुत ख्याल है और मैं क्या सोचता हूँ इसकी कोई फिक्र नहीं है तुम क्या सोच रहे हो जैसे तुम जानती नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ सचमुच मुझे कुछ नहीं मालूम कुछ नहीं मालूम कुछ नहीं मालूम कुछ नहीं मालूम छुपाना चाहोगे पर प्यार छुपाना पाओगे कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आओगे सरकार चले आओगे तुम लाग जताना चाहोगे पर प्यार जताना पाओगे दिल को थामे हाथों से खामोश चले जाओगे खामोश चले जाओगे तुम लाख छुपाना चाहोगे पर क्या छुपाना पाओगे कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आओगे सरकार चले आओगे तुम्हारे चेहरे की रंगत तो ये बताती है किसी की याद तुम्हें हर घड़ी सताती है ये उलझे बाल मोहब्बत का राज कहते हैं कमल से नैन ख्यालों में डूबे रहते हैं तुम्हारी चाल में शोखी है और शरारत है जरूर तुमको किसी ना किसी से उल्फत है लो राज खुल गया अब किस लिए छुपाते हो जमाना जान गया हमको क्यों बनाते हो तुम लाख छुपाना चाहोगे पर क्या छुपाना पाओगे कच्चे धागे से बंधे सरकार चले आओगे सरकार चले आओगे तुम लाग जताना चाहोगे पर प्यार जताना पाओगे दिल को थामे हाथों से खामोश चले जाओगे
तुम्हें खुशबू तो रुक नहीं सकती, इसी तरह से मोहब्बत भी चुप नहीं सकती। तुम लाख छुपाना चाहोगे पर क्या छुपाना पाओगे, कच्चे धागे से बंद सरकार चले आओगे, सरकार चले आओगे। तुम लाख जताना चाहोगे पर प्यार जताना पाओगे, दिल को थामे हाथों से खामोश चले जाओगे, खामोश चले जाओगे। शिवदा जी कहाँ? अभी रबर स्टेट की तरफ गए। रबर स्टेट की तरफ गए? यहाँ उधर ही गए। लगा तुम यहाँ ठहरो, मैं भी उनको ढूंढ के लाता हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं देखो तुम यहाँ इंतजार करो, वो लोग शायद दूर निकल गए होंगे, मैं भी आता हूँ। अच्छा जी, किसने गोली चलाई? पता नहीं श्याम, पानी पानी श्याम। मैं भी लाता हूं। मिल गया, कांग्रेचुलेशन। तुमने हमको खजाने का नक्शा नहीं बताया, लेकिन हमको मिल गया। नक्शा मिल गया मिस्टर चांद? बोलो रबर स्टेट में खजाना कहां छुपा है? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बताऊंगा। तुम सब जानता, तुम सब बताएगा तो मैं क्या करोगे? मारे डालोगे ना?
तुमको नहीं मारेगा, इस लड़की को मारेगा। बोलो किधर रास्ता? नहीं बताऊंगा। झूठा। लो मैं बता देता हूँ। नहीं रमेश, तुम मेरी परवाह नहीं करो। शोभा तुम समझती नहीं रमेश। चुप रहो। ये नक्शा है, ये नकली है। नकली है। बॉस आप? तो मुझे कैसे जानते हैं? हम आपका रॉबर स्टेट में काम करता है थोलोंग जी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो मिल गए मुझे, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ। मुसीबत बॉस? कैसा मुसीबत? फौरन जाके पुलिस को खबर कर दो। नहीं कर सकता बॉस, गैंग वाले लोग बहुत खतरनाक है। रिपोर्ट करेंगे तो झगड़ा करेंगे, गैंग वाले को सबको खत्म करेंगे। तब मैं क्या करूं? मैं यहाँ की जुबान नहीं जानता, यहाँ के रास्ते नहीं पहचानता। अगर इन बदमाशों ने मुझे देख लिया तो? घबराने के नहीं बॉस, हम आपका सरपंच है, हम आपको मदद करेंगे।
सा सायन सायन रे धोखा दे गया और सब लोग देखता रह गया, सारा स्कीम खराब कर दिया। उसको शूट क्यों नहीं किया? लेकिन आपने तो बोला था कि उसे शूट नहीं करना, एक्सीडेंट से जख्मी करके उसे यहाँ लाना। बैड लक। शट अप। वो लोग अभी इधर पुलिस लेकर आएंगे तो क्या करेगा? शोभा और रमेश को दूसरा अड्डा में भेज दो और ये जगह खाली कर दो। दादा। दादा कहाँ? कमरे में सर। तुम आ गए शाम, मैं कब से रास्ता देख रही हूँ, सब मुझे अकेले छोड़कर चले गए। शोभा और कैसे दिखा? बात क्या है, बोलते क्यों नहीं? लता, तुम्हारे चाचा जी क्या हुआ उन्हें? क्या कहूँ लता, दिल पर पत्थर रखकर सुनना होगा। शाम तुम्हारे चाचा को बदमाशों ने गोली से मार दिया। धीरे रखो लता, मैं जानता हूं यह सदमा तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, मगर होने को कोई भी नहीं टाल सकता। जो होना था वो हो गया। अच्छा आगे खन्ना, मैं आप ही को टेलीफोन करने जा रहा हूं। पहले ही खबर मिल चुकी है, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे आपसे ये उम्मीद न थी। आपके नाम वारंट है? मेरा नाम वारंट? जी हाँ, पहले ऑफिस की तलाशी होगी, बाद में आपका ब्याह। क्यों, क्या वजह है ये वारंट, ये तलाशी? आखिर मैंने क्या क्या है? खून। मैंने खून किया? कब, किसका खून किया? मैंने ये भी मुझसे पूछ रहे हैं? आपने शिवदास का खून किया? शिवदास का खून? मैंने? हरगिज नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। आप मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? खून? कम से कम तुम तो मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। किसने फंसा मुझे इस केस में? तुमने शोभा को दी? कहाँ है शोभा? इंस्पेक्टर, इनसे पूछिए मेरी बहन कहाँ है। घबराइए मत, सब पता लग जाएगा। कमान बचाओ। हम आपके घर में होके आया। द पुलिस
Hey, what's the matter? क्या बताऊँ, हमारी अजीब उलझन में फंस गया हूँ मैं. कैसा उलझन? You see, Sakhana, please come here. Yes. इस रूम में ताला लगा हुआ है. मिस्टर शाम, आपके पास चाबी है? ये तो बाथरूम का दरवाजा, इस पर ताला किसने लगाया है? मेरे पास चाबी तो नहीं. आपके पास नहीं? ब्रेक द लॉक, तोड़ दो ताला. मिस्टर शाम, आपको हिरासत में लिया जाता है. लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए. इसमें जरूर कोई चाल है, यकीन जानिए मेरी मिस्टर शिद्दत से कोई दुश्मनी नहीं थी. वेरी सॉरी, आपको जो कुछ भी कहना हो पुलिस स्टेशन चलकर कहिए. इंस्पेक्टर, आई ऑफर द बेल फॉर हिम. सॉरी मैडम, इन पर खून का इल्जाम है, आपको पुलिस स्टेशन आना. लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने देखा मतलब बेहोश है, इनके बारे में सोचा आपने कुछ? यू डोंट वेरी फॉर दैट, हम इनके भिजवाने का बंदोबस्त कर देंगे. चलिए आप. यहां तो कोई भी नहीं है. बताओ इंस्पेक्टर साहब, बोलो. तीन दिन आदमी था बस, हम अकेला, हमारे हाथ बांध दिया बस, मुंह में कपड़ा डाल दिया, हम बात नहीं कर सकता, फाइट नहीं कर सकता, बस कुछ. तुमने उनको नक्शा निकालते हुए देखा क्या? नो बस. नहीं, यस बस, यस बस, ठीक ही दी थी बस. पर वो लोग खाली नक्शा लेके गया और कुछ नहीं लेके गया बस. अगर आप लोग कल रात को ही चले गए होते तो नक्शा गायब नहीं होता. बट ये वाक्य कल शाम का है. कल शाम का? फिर तो साहब जाहिर है कि शिद्दत से खून का इल्जाम मुझ पर लगाकर बदमाशों ने आप पुलिस वालों को धोखा दिया ताकि इधर मैं फंस जाऊं और उधर वो नक्शा गायब कर सके. यस सर, यू आर राइट. हम कमी आप व्यक्ति. इंस्पेक्टर चौंग, मिस्टर श्याम का जामिन का क्या हुआ? प्लीज स्पीक, अभी बताता हूं. यस सर. मिस्टर चौंग, हियर इज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट. आई थिंक द केस इज वेरी डिफरेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड. आई एम पजल्ड. जी हाँ, मुझे भी एक केस कुछ उलझा हुआ लगता है. यस यस, यू राइट, कैन गो ऑन विद इन्वेस्टिगेशन. आई थिंक वी कैन रिलीज अ सस्पेक्ट ऑन बेल. ओह यस सर. देखो उस कमरे में जो मदन बैठी है उन्हें अंदर भेज दो. यस सर. गुड न्यूज मिस्टर शाम, चीफ ने आपकी जमानत के लिए मंजूर कर लिए गए. थैंक यू इंस्पेक्टर चौंग, थैंक यू वेरी मच. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कानून के दायरे में रहते हुए मैं बदमाश को गिरफ्तार कराने में आपकी पूरी मदद करूंगा. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. जी कॉफी में इंस्पेक्टर. यस मैम, सिट डाउन प्लीज. थैंक यू. शकला, आपकी जमानत मंजूर हो गई है. हियर इज द बॉन्ड पेपर, प्लीज साइन इट. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर. अब आप लोग जा सकते हैं. Thank you very much. Good day. Good day. Maria, मेरी जमानत देकर तुमने मुझसे बहुत बड़ा एहसान किया. आप क्या बात करता मिस्टर श्याम? I have done my duty. Dude, boss, जो औरत कोई आदमी पर लव करता तो वो अपना पूरा ड्यूटी करता बस. Take it easy, boss. हम आपको फिर बोलता मिस्टर श्याम, अब स्टेट बेंच टू सब ट्रबल खत्म होगा. मारिया, इसका सवाल ही नहीं उठता. वेल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई विल मीट यू अगेन. तुम जानता, शाम को पुलिस जमीन पर छोड़ दिया. जानता, बट हटाने का असली नक्शा अपने पास है. जब ये अपना चेक हांगकांग से आएगा, हम हटाना लेकर सिंगापुर से बाहर चला जाएगा. वेरी गुड, बट तभी तक शाम पर नजर रखना जरूरी. यू डोंट वरी, हम सब बंदोबस्त करेगा. ओके, अथो कम प्लीज. तुम मत होने आते से मुझे. ये तुम क्या कह रही लता? जमानत पर छोड़ने का ये मतलब तो नहीं कि तुम बेकसूर हो.
देखो लेता, असलियत यह है कि मेरी रबर स्टेट में खजाना छिपा हुआ। उसका नक्शा मेरे बैग से निकाल कर खजाने का पता लगाने के लिए जब तुम्हारे दादाजी को फोन करने के बाद उन पर चोरी का इल्जाम लगाते हो? यकीन जाना बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे दादाजी ने मैं कोई सफाई कोई दलील नहीं सुनना चाहती। मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। क्या बात है, तुम बहुत सैड दिखते हैं बॉस। चाचू लता ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, लेकिन असली जाने के जो फैसला मैंने किया है वो सुनकर तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा। दुख की कोई बात नहीं बॉस, हम तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं। चाचू मैंने दो बार शिवदास के साथ तुम्हारी चिंचिंचू को देखा और हमेशा मुझे देखते उसने अपने आपको छुपा लिया। व्हाट? हाँ, मैंने एक बार लता से पूछा था, उसने यही बताया मुझे कि शिवदास को चिंचिंचू मिलती है। ओ बॉस, ओ बॉस, हम उसको पुलिस के हाथ में देंगे। तुम बोले बॉस, हम कुछ हमारा कोई फायदा नहीं चाचू। मैंने कहा था दिए चिंचू, एवरी प्लेस तुमको देखता। यू ही यू डार्लिंग, तुम हमेशा लाभ की बात करता बट मैरिज नहीं करता। करेगा डार्लिंग, बट अभी तो लव चलता। लव लव खत्म होगा तो पीछे मैरिज करेगा। नशे में बोलता तुम अच्छा कुछ नहीं। माय डियर चिंचिंचू, अरे हम सब समझता है। तुम क्या समझता? हम नहीं समझता है चाचू। हाँ, डोंट, वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसका होटल है? वो तो मेरा है, शीशा। अरे ये तो चलता है। वोट वो वोट डाले हमारे कितना बच्ची किया चाचू। उठो चाचू। रमेश प्लीज डोंट किल मी चाचू डाली, हमको हम गुलाब खान के हाथ से तुमको खुदा भी नहीं बचा सकता। अगर तुम हमारा सवाल का ठीक ठीक जवाब देगा तो हम तुमको बच देगा। ठीक जवाब देगा, ठीक जवाब दे। तुम शिवदास को जानता है? शिवदास हम नहीं जानता। नहीं जानता? हम तुम्हारा गर्दन छुरी से काट देगा। हम जानता। अच्छा, शिवदास के साथ तुम्हारा क्या था? तुम बोलता क्या करने है? हम अपने ऑफिस के लिए शिवदास को देखा था। शिवदास? बोलो उन खतों में क्या लिखा था? है उनमें रबर स्टेट के खजाने का रेफरेंस था। वो खत मेरे मैनेजर ने बॉस को लिखा था। अच्छा ना, वो जो खत किधर है? शिवदास के रूम में है, टेबल के राइट हैंड ड्रॉ में। तुम्हारा बॉस को धोखा दिया, तुमको हम अभी पुलिस के हाथ में देगा। मुझे तुम सच बोला, मुझको बख्श दिया। ये देखो बाहर कोई आया है, तुम उसको कुछ बताया हमारे बारे में तो हम तुम्हारा खोचे याद रखना है। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोलेगा। गुड इवनिंग, फ्रेंड। आप क्या मांगता है? पहले तुम अपना बॉस का इन्फॉर्मेशन शिवदास को देता, अभी तुम वही इन्फॉर्मेशन हम को देता। हम नहीं देगा। ओह कम ऑन यंग लेडी, दिस इज $100 एडवांस। नो नो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है और तुम देगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं साथ में को पहले भी देख चुका हूँ, रबर स्टेट में इसने मेरी जान पर हमला किया था। खर्चे भला भला खर्चे, ये लोग कौन था? हमको नहीं मालूम, हमको डॉलर देके हमारे बॉस का इन्फॉर्मेशन मांगता था। ओ, तुम बेईमानी करता है। ए मिस्टर, तुम चौकी संभालो, हम उस बदमाश के पीछे लगता है। Thank you.
की नजर, जी हाँ ये है दिलदार की नजर। धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदार की नजर। लाख तो तुम ढूंढ ही लेंगे हम तुमको दिल भर बाखुदा। धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदार की नजर। धोखा खाएगी न यारों की नजर, जी हाँ ये है दिलदार की नजर। हमारे पास है
तुम सब का दिमाग ठीक करेगा। तुम समझता क्या है? हम खादुन से आए, हमारा नाम खान उलैब खान है, खर्च है, हमको फिर साहब बोले क्या नाम खातल करने का है। अभी हम सब छह खातल किए, हमारा तीन खातल बाकी है। देखो खान, अभी हम उसको रोका, तुम भी झगड़ा बंद करो। तुम्हारा मुर्ची है ना, हमारा भी मुर्ची पठान का, हम मुर्ची वाला साहब का बात खादर करता है। वेरी गुड, इधर हमारे पास। अरे खान, तुम क्या काम करते हो? जो तुम सुना नहीं, अभी हम खाकर करता खून करता है। बहुत बहुत आदमी हो। और जो तुम, हम तुम्हारा बहादुर देखा की जरा है, बोलो किसी का खातर करेगा, $5,000 लेगा। देखो हाँ, तुम कल शाम को 7 बजे हमको दे मिलो। गोली मार दूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम? हाँ, जिसकी तुम सूरत भी नहीं देखना चाहती। इसीलिए भेष बदल कर चोरी करने आए हो? नहीं, बल्कि अपनी चोरी की हुई चीज लेने आया हूँ। ये वही खत है जो रमेश ने मुझे लिखे थे। ये खत यहाँ कैसे पहुंचे? मेरे टाइपिस्ट ने कबूल कर लिया कि उसी ने ये खत तुम्हारे अंकल को दिए थे। और इन खतों से साफ जाहिर है कि मेरी रबर एस्टेट में कोई खजाना छिपा हुआ। इनके असलियत का पता मुझे न चल सके और रबर एस्टेट वो खरीद सके, इसलिए ये खत बीच में से उड़ा ली गई। लेकिन उनकी लाश तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंची? बात दरअसल ये है कि बदमाशों का एक ग्रोह उसी खजाने के पीछे लगा हुआ। मेरे ख्याल में उन्होंने ये सब कुछ किया ताकि मैं फंस जाऊं और उनका काम बन जाए। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं भेष बदलकर उनके ग्रोह में शामिल हो गया। क्या? और मुझे शक है कि रमेश और शोभा भी उन्हीं के कब्जे में है। रमेश और शोभा, तुम पुलिस में खबर क्यों नहीं देते? अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन उन लोगों ने अगर तुम्हें पहचान लिया और तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम तब तक मुझे खूनी समझती हो ना? मैं क्या करूं? कर सको तो मेरे यकीन करो। मैं अंदर आ सकता हूं? कौन? अरे मिस्टर श्याम, आप आइए आइए। कैसे आना हुआ इतनी रात को? इंस्पेक्टर साहब, ये खत देखिए। ये वो खत है जो रमेश ने मुझे लिखे थे, लेकिन मेरी सेक्रेटरी को बहका कर शिवदास ने हासिल कर लिया। शिवदास ने? यानी वो पहले से इस मामले में दिलचस्पी ले रहे थे? यही वजह कि गैंग वालों ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। इंस्पेक्टर साहब, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि मैंने गैंग वालों का पता लगा लिया। गैंग वालों को पता लगा लिया? कौन है वो लोग? अभी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल मैं उनके गैंग में शामिल हो रहा हूँ। और इंस्पेक्टर साहब, जो स्कीम मैंने बनाई है उसके लिए मुझे पुलिस की मदद की जरूरत है। आप अपनी स्कीम बताइए, पुलिस आपकी हर तरह से मदद करेगी। तो सुनिए, बोगी स्ट्रीट के पीछे जो गली जाती है उसके दाएं तरफ जो कार्निवल है, उस कार्निवल के अंदर गैंग वालों का अड्डा है। मेरी जान बचाओ, तुम पर कुर्बान। कुर्बान लगाए, कुर्बान तो पठान की जान बोलता है, गुलाब खान जूटी भी जान। जान का बच्चे हमको बुढ़ा बोलता है? बुढ़ा तुम, तुम्हारा बाप गया। ए नेक खातून,
इस नामा खुल के बच्चे को अंदर कौन घुसने को दिया? मैं तुमको बात करने का समय नहीं मुद्दा, हमको फिर से मुद्दा बोला जो दाढ़ी वाला कार्टून मार मार के जमीन पर फ्लैट कर दूंगा। नो 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 प्लीज डोंट फाइट। डोंट वरी डार्लिंग, ये दाढ़ी वाला ने हमारा इंसल्ट किया, हम इसका बदला लेगा। तुम जल्दी से पहुंचो। चीना साहब को आपने बुलाया था, इधर पहुंच गया। वो ठीक है लेकिन अभी पुलिस आने वाला है। अच्छा चीना साहब, हम पुलिस से नहीं डरते, हमारा नाम खान गुलाब खान है, हम आखिर सब बोला हमारे हाथ में 9 कतल लिखा, हम सिर्फ 6 कतल किया, अभी 3 कतल बाकी है। पुलिस आया कुछ आने करो। इधर वाले वो देखो वो दाढ़ी वाला बैठा है। इसे मैं इसे हमको मारा, इसने हमारा मर्डर करने का कोशिश किया। अच्छा बुढ़ा बहुत कम, तुम्हारा अभी भी मर्डर काय को तुम झगड़ा करता है? इसने लॉ कुछ नहीं जानता तुम? अच्छा सब जानता है, बुढ़ा को बोलो मैं मैदान में चले, मगर कुछ भी कर हमको डिसिप्लिन दिखा। ताकत लगाने की जरूरत नहीं, पता के साथ हम अपने आप चलेगा, लेकिन याद रखो है तो हमको जेल में बांध करके नहीं रख सकता। खोचे हम भी चला चौकी माफी डांटता है। मार मारा देखिए मुझे मारने का नतीजा। खोचे एक बुढ़े हम तुमको एक ऐसा मार गार्ड में लेकर चलेगा, चले चलो पुलिस की वजह से मैं अपने हाथ से रोक नहीं सका और आपको जोर से मार दिया। अरे ऐसा है, ऐसे मौके पर तो जान तक की बाजी लगा देनी पड़ती है। गाड़ी रखो, आप प्लान के मुताबिक तुम यहां से भागो, मैं पुलिस को भेजता हूं। वेरी वेल। ठीक है सर, इधर कोई नहीं मिला, हम आपको बोला इधर कोई खान नहीं आया। देखो अगर खान मिलेगा तो इसको फौरन खबर कर दो। जिस आदमी ओके यस सर, यस सर, गुड नाइट गुड नाइट। ओ चिन्मन साहब, पुलिस को गया, हम पुलिस को भेज दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। खान खान गुलाब खान अभी हम तुमको काम दिलाएगा, बॉस से मिलाएगा। चलो 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 चलो, क्या जगह बना है, एकदम पुलिस में खिला खिला भी दिखता है। हमारा काम के वास्ते छुपा हुआ प्राइवेट जगह बहुत जरूरी चांद। हमको बोला तुम बहुत बहादुर आदमी है, बट हमारा काम बहुत डेंजरस खतरे वाला। खोचे खान गुलाब खान खतरे से नहीं डरता, जान से खेलता है। वो तुम देखा नहीं हम पुलिस वाले को कैसे भगाया? यस यस, बट अभी तुम इधर रहेगा, इधर रहने वाले को बाहर जाने का परमिशन पाल। खोचे नहीं जाएगा, हम इधर काम करता है, हम इधर आएगा। ओके जाओ चांद, खान को उसका कमरा दिखाओ और सब लोग से मिला। ओके बॉस, चलो खुदा हाफिज बॉस। माफ करना, इधर का पिस्ता खा के बदन में बहुत चुस्ती आ गई। चलो हम तुमको नहीं ले जा सकते। प्लीज चाचा, हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंस गए, शायद हम लोग कुछ मदद कर सके। ऑलराइट ऑलराइट,
चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ब्यूटी ऑफ ईस्ट, वेस्ट एंड द मिडल एंड माय सेल्फ। टुडे आई विश टू प्रेजेंट यू द रोज ऑफ द ईस्ट, द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट, मिस Dile. This chair very cold, ice cold, huh? Hey, namaskar, sir. Namaskar, sir. Hey, ladies and gentlemen, आप लोग डेली मिस लिली का सॉन्ग एंड डांस देखता, यू माइट करेक्ट, प्लीज से यस। ओ थैंक यू थैंक यू। आज आपको नवा डांस देखने को मिलता है, माइट करेक्ट, प्लीज से यस। अरे वेरी गुड वेरी गुड। बियर्ड ऑन द हेड, ये सो इधर क्या गड़बड़ करना मांगता। सर आपको आज एक ऐसा आइटम फ्री देगा साहब, क्या आप उम्र भर याद करेगा? नहीं मांगता फ्री, नहीं मांगता, प्लीज यस बोलो। नहीं मांगता। तुम्हारा पाँव पकड़ता सर, बोलो यस। तुम्हारा पाँव पकड़ता, यस सर। ओके ओके, Thank you.
क्यों है? मगर आप मर गया दुनिया के लिए, अपने लिए नहीं। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ और किसी से मत कहना कि तुमने मुझे जिंदा देखा। जा। अगर आप सचमुच अपनी और हमारी भलाई चाहते हैं तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए, वरना आपकी असलियत पुलिस को मैं बताऊंगी। ले जाओ और सोलह पड़े बंद कर दो। जानवरी देख छोकरी को पकड़ नहीं सकता। खड़ा तुम छोकरी और तुम इसको किधर ले जाता है? बहुत बोलो, इसको बंद करो। जा जा, तुम खाना खाओ, तुम सिगरेट पिया, तुम खा जा। हाँ, मेरे चाची को ले जाता है। बस छोकरी, तुम्हें मार लो को टांग किया चाचू के साथ तुम्हारी तलाश। मेरी तलाश के लिए तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। शाह, नाराज ना हो, मुझे माफ कर दो, मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूंगा? अच्छे लड़के, हम तुमको बोला है मगर मस्ती करना बहुत मुश्किल का काम है। हमारा नाम भी खान गुलाब खान है। तुमको बहुत बुलाता है। कौन से बुलाया? अच्छा, लो तुम्हें इस लड़की को मजबूती से पकड़ो और शोभा कमरे में इसको फेंक दो। जा, इधर कोई गंजा कोबरी का आदमी तो नहीं आया? देखो, ख्याल रखो, अगर कोई गंजा कोबरी का आदमी आए तो हमारे पास लेके आओ। हम देखते हैं, तुम बैठो। कहाँ गया वो? क्या हमारा कोई गंजा कोबरी का किधर गया? सलाम बस, सलाम अलैकुम बस। इसको भी सलाम करो, ये हमारा पार्टनर मिस्टर शिवदास। बस, सलाम अलैकुम। सलाम। खोचे के हम आपको पहचानता है? हमको पहचानता है? कैसे? खोचे के हम आपको पहचानता है, आप हमको पहचानता है। कुछ के हम दोनों का वतन एक है, हम दोनों का जबान एक है, हम दोनों का खाना के पीना के उठना के बैठना, अब तो खोचे हम दोनों का काम भी एक है। आज रात को बहुत इम्पोर्टेंट काम है। चांग, इन लोग को समझा दो। ओके बॉस। मिस्टर शिवदास, हमारा शिप तैयार है, हमारा मोटर बोट तैयार है, हमारा सब आदमी लोग तैयार है। हम बॉस के साथ शिप में रहेगा। कपूर तुम्हारा लड़की लोग को लेकर शिप में आएगा। गुलाब खान बहुत बहादुर आदमी है, तुम्हारे साथ खजाना लेने कुछ आएगा। तुम खजाना लेकर शिप में आएगा। इज इट ओके? ठीक है खान, समझा? खोचे के सब समझा। चांग, रमेश का क्या होगा? आओ, उसके लिए गोली काफी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके चांग, अपने साथ ले जाने के लिए कुछ लोग सुन लो, मैं लड़कियों से जाकर भी आता हूँ। खोचे समझ गया बस बस। हे खाना बालक, तुमने खाया खराब का मुकाबला देखता है? खलत तैयारी, खाना खजाना लुटने के लिए, जमीन खोदने के लिए, वो बेचा घोटाले चाहिए। चलो, अच्छा तुम आ गए। आज रात को यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाली है। लेकिन बस, हमने तो आपको शिवदास के साथ बात करते हुए देखा। बस, शिवदास जिंदा है? हाँ हाँ, बिल्कुल जिंदा है और इसे गैंग में शामिल हो चुका है। देखो, ये लोग रमेश को मार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे लोगों के साथ जाकर खजाना निकाल कर शिप पर पहुंचना है। इनकी जो गैंग की लीडर है ना, हाँ, और बाकी सब बदमाश, वो सब शिप पर हैं। हाँ। जैसे भी हो तुम रमेश को बचा लो और पुलिस को खबर कर दो, मैं तुम्हें पिस्तौल से सिग्नल कर दूंगा। ओके ओके बस ओके। यहाँ का सारा काम तुम्हारे जिम्मे है, तो ये काम खत्म करके लता और शोभा को लेकर तुम जहाज पे आ जाना। ओके। और हाँ, जहाज पे आने से पहले रमेश को खत्म कर देना और ये बात जल के तक न पहुंचे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगा। गुड, थैंक यू। लोग को लेकर इधर आओ, मैं जरूरी काम करके वापस आता हूं।
कपूर, कपूर सर। हमारे अंदाजे के मुताबिक नक्शे के निशान सही साबित हो रहे हैं और शायद ये वही मंदिर है जो कि नक्शे में है। खोचे आप ठीक बोला बॉस, लेकिन खान गुलाब खान बहुत परेशान है बॉस। ये खोई ये इधर का चक्कर किधर है, खोचे के ये घंटा लोग किधर है, तो खान अंदर जाके मालूम होगा। खोचे टाइम चलो बच्चे, इधर तो कुछ भी नहीं है बॉस। हाँ देखो उधर दरवाजा है, चलो उसके अंदर चले। चलो चलो ताला तोड़ो। और इसका बैंड अब खा रहा अच्छा जो था मैं तुमको खाता भी नहीं रखा था इसको। वो लोग का बड़ा बॉस उधर मेल का खुशी करता है, उधर मौज मजा उड़ाता है, बिस्की पीता है, दारू पीता है, हम लोग इधर अपना खतरनाक काम करता है। क्या मतलब खान? कुछ मतलब हमारा बॉस साफ है, सोचो वो पुलिस ने छापा मारा हमारा कश्ती पे तो हम लोग पकड़ जाएगा, हम लोग पकड़ा जाएगा, वो लोग नहीं पकड़ा जाएगा, हम लोग खतरनाक काम करता है, कुछ खतरनाक हमको मिलना चाहिए। खान तुम ठीक कहता है, लेकिन हमारे पास जहाज कहाँ है, ये सब हम किधर लेके जाए? सोचे के जाए तो खान गुलाब खान तुम्हारे खादम में पेश करता है, लेकिन तुम अपना सा साथ लोग अपने काब से ना रखो। हमारा साथ है, हमारा साथ है। तो इंशाल्लाह खान गुलाब खान सारा खजाना तुमको दिलाएगा और तुमको भी तुम्हारा हिस्सा बराबर मिलेगा। हमको परवाह नहीं, हमको दोस्ती का परवाह है, हमको दाल मिल जाए, हमको अभियात मिल जाए, हमको मुर्गी मिल जाए। लेकिन हमको इमीडिएटली इधर से चले जाना चाहिए। क्यों? पुलिस आने का डर है। पुलिस? और पुलिस तुम काय को डरता है, हम मुकाबला करेगा पुलिस का। शाम ने फायर किया, हमारा बॉस ने फायर करके सिग्नल दिया है, इंस्पेक्टर जल्दी चलो। ऑल द बॉस स्टार्ट नाउ। नो नो, हम लड़की लोग को नहीं छोड़ेगा, उनको केबिन में बंद किया उधर रखेगा। सोचे तुम चाय छीना मैन है, बीच में ठाए 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 करता है, ये बॉस का बॉस के साथ बात है। देखो इधर हम किसी बॉस से कम नहीं है, समझा? जैंग शट अप शिवदास, जैंग इज राइट, हम तुम्हारा लड़की लोग को नहीं छोड़ सकता। लड़की लोग रमेश के साथ भागने का कोशिश किया। तुम क्या बोलता बॉस, आदमी के माफिक छोकरी कैसे भाग सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खान ठीक कहता है, तुम लोग जबरदस्ती बात को बढ़ा रहे हो। तुम जानता तुम्हारा लड़की लोग हमारा गैंग का दुश्मन है, उसको जब भी मौका मिलेगा जिधर मौका मिलेगा गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब लड़के हमेशा तुम्हारे कैद में रहेंगी? यस, हमेशा हमारी कैद में रहेगा।
देखता हूं। तुम लोग मुझे देखता है, शिवदास के सब आदमी को पकड़कर बांधो। फायदा नहीं, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अपने आप कानून के हवाले कर दो कुर्बान। All right.
हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर, इंस्पेक्टर चांग कॉलिंग, इंस्पेक्टर चांग कॉलिंग, मैंगो लेकर झाट पकड़ा गया, लेकिन मेरा लीडर लता लेकर हेलीकॉप्टर भाग गए, हेलो हेलो हेलीकॉप्टर फॉलो, हेलीकॉप्टर फॉलो, ओ आई सी, वी आर इन्फॉर्मिंग द एयर कंट्रोल। हेलो हेलो एयर कंट्रोल, दिस इज पुलिस हेडक्वार्टर स्पीकिंग। This is air control speaking. Rogers, I am sending the helicopter just now. Hello, hello. Air squads, follow private helicopter MM010 flying 30 degrees west. 30 degrees west. We are about to encircle MM010. Send the force by land. Calling flying squad. Calling flying squad. Follow private helicopter MM010. MM010. हसीनों का मेला ये शहर बड़ा अलबेला हर तरफ हसीनों का मेला पर और भी है कुछ आगे तू चला चल अकेला